उत्तर प्रदेश में आए दिन कानून व्यवस्था को ताक पर रखकर अपराधी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। भदोही में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। यहां अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद है कि या यूं कहें कि उन्हें अब योगी सरकार का खौफ नहीं, उनके पुलिस का खौफ नहीं। उत्तर प्रदेश के भदोही से एक सनसनीखेज घटना सामने आई। यहां बाइक सवार दो बदमाशों ने इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल की गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। दिन दहाड़े अपराधियों ने प्रिंसिपल को गोलियों से भून दिया। इस घटना ने एक बार फिर पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। क्या पुलिस का खौफ अब बदमाशों में नहीं है? क्या लॉ एंड ऑर्डर आए दिन अपराधी धत्ता साबित करेंगे? आखिर कब अपराधियों पर अंकुश लगेगा? घटना भदोही के बसावनपुर अमिलौरी के पास की है। मृतक का नाम योगेंद्र बहादुर सिंह था। उनकी उम्र 56 साल थी। योगेंद्र श्री इंद्र बहादुर सिंह नेशनल इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल थे। पुलिस ने बताया कि कार से योगेंद्र जा रहे थे और इसी बीच बाइक से दो बदमाश आए और उनकी कार को रोक दिया। कार के रुकते ही बदमाशों ने योगेंद्र पर कई राउंड फायरिंग की है। प्रिंसिपल के भतीजे ने बताया कि घर से कुछ दूरी पर सिंचाई नलकूप के पास बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। योगेंद्र बहादुर के ड्राइवर ने बताया कि सर को घर से लेकर वो जा रहे थे। इस बीच काले रंग की अपाची बाइक पर सवार दो बदमाशों ने पता पूछने के बहाने से गाड़ी को रोका। जैसे ही कार का शीशा खुला तो बाइक पर पीछे बैठे बदमाश ने असले से ताबड़तोड़ फायरिंग की। ड्राइवर ने बताया कि जख्मी हालत में उन्होंने मृतक को कार से अस्पताल लेकर जाने लगे, तभी एक अन्य बदमाश ने टायर में गोली मारकर पंचर कर दिया। बावजूद इसके मृतक को आनन फानन में महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल लेकर जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस संबंध में इंद्र बहादुर सिंह नेशनल इंटर कॉलेज के प्रबंधक ने बताया है कि घटना की सूचना मिलते ही तत्काल मौके पर वो पहुंचे। उन्होंने कहा, यह बहुत ही दुखद घटना है। विद्यालय और समाज को अपूर्णीय क्षति पहुंची है। उनकी छवि पूरी तरह से बेदाग रही है। कॉलेज में लंबी सेवा दी है। भदोही के पुलिस अधीक्षक मीनाक्षी कात्यायन ने बताया कि प्रिंसिपल योगेंद्र बहादुर सिंह की हत्या की घटना सामने आई है। घटनास्थल पर फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड की टीम गई थी। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और बदमाशों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो पुलिस ने जो है घटनास्थल का निरीक्षण किया है। एफएसएल टीम भी आई हुई है, डॉग स्क्वाड भी आया हुआ है और अलग अलग टीम बना करके पुलिस इस घटना के हर बिंदु हर पहलू पे जांच कर रही है। साथ ही साथ बॉडी को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम इत्यादि की कार्रवाई की जा रही है। जिन लोगों ने घटना को अंजाम दिया है उनकी संख्या क्या थी और किस तरीके से आए घटना कर? दो की संख्या थी, जैसा कि वो ड्राइवर जो उस गाड़ी में है वो बता रहा था। और यंग लड़के थे और आए थे, उन्होंने ओवरटेक किया और घटना को अंजाम दिया। इस तरह की भी चीज़ें आ रही हैं कि उनकी कार के पहिए में भी गोली मारी गई है, जैसा कि ड्राइवर बता रहे हैं कि ड्राइवर ही उसमें डायरेक्ट विटनेस हैं कि उन्होंने उनका पीछा भी किया उस गाड़ी से, तो उन्होंने शायद चक्के पे एक गोली मारी है। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो जांच का विषय है और पुलिस गहनता से इसमें जांच कर रही है और शीघ्र ही इस घटना का पर्दाफाश किया जाएगा और अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।